Hello friends, this is Sangam Bipuri and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about a snake bite and its treatment. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्नेक बाइट ट्रीटमेंट, कि स्नेक जब सांप काटता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसका सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर ऐसे केसेज आपको विलेज में पाए जाते हैं कि जहाँ पे जंगल हो उस जगह पे ज़्यादातर सांप वगैरह पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे भारत में लगभग 500 से ज़्यादा सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 10 सांप ही ठीक है बहुत ज़्यादा जहरीला होते हैं। एक होता है वाइपर और दूसरा होता है कोबरा। कोबरा को जिसको हम सिंपल शब्दों में नाजा भी बोलते हैं, नाग भी बोलते हैं। जैसे आप हम लोग के यहाँ जो ग्रामीण वर्ड में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको पता है, गेहूमन जिसको बोलता है लोग, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नाजा बोलते हैं। तो ये सांप बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसके जो भी कैटेगरी के सांप होते हैं, इसके अंदर जो भी प्रजाति के सांप होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, आदमी की जान तक जा सकती है इसके काटने से। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स, कि जब कोई सांप आपको काटता है या किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके साइंस क्या दिखाई देते हैं, उसके सिम्टम्स कैसे आपको पता चलेगा कि सांप ने काटा है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन साइन है कि जिस जगह पर अगर किसी सांप ने आपको काटा है तो वहाँ पे दो पंक्चर रहेगा, मतलब दो छेद आपको दिखाई देगा अलग अलग। जैसे ये सांप का ये है ना, ये तो ये देखिए, ऐसे अगर मारता है तो दोनों तक अलग अलग छेद आपको दिखाई देगा, वो दो पंक्चर कर देता है, खून को ज्वलप कर देता है। ये पहला साइन है। उसके बाद कहते हैं कि साइनोसिस, आपका जो चेहरा होगा धीरे धीरे बॉडी होगा वो क्या हो रहा है, नीला पड़ने लगेगा। फिर अनकॉन्शसनेस, पेशेंट धीरे धीरे क्या होने लगता है, बेहोश होने लगता है। उसके बाद कहते हैं सीवर पेन एट बाइट साइट एंड स्वेलिंग, कि जहाँ पे सांप ने काटा वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा और वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं स्वेटिंग एंड सलाइवेशन जिसको बोलते हैं, सलाइवेशन मतलब लार निकलना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगेगा और लार मुँह से बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा। और धीरे धीरे उसके बाद ब्लड विजन मतलब आँखों के सामने धुंधलापन होने लगा, आपको स्पष्ट रूप से कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद कहते हैं डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, कि कोई चीज़ आप निगलने का कोशिश करेंगे तो वो आपसे निगलाई नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्फेजिया, भी दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं, जो कि साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि इससे आपको पहचाना जा सका कि सांप ने आपको काटा है। और जब भी कोई टेस्ट ट्यूब में आप, ठीक है, ब्लड को लेंगे तो वो क्लॉट नहीं होगा, ये भी इसका एक साइंस है जिससे आप जान सकते हो कि सांप ने इसको काटा है। तो सबसे पहला साइंस यही देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति को ज़्यादा शरीर नीला पड़ रहा है, जानकारी नहीं मिले, तो पूरा कपड़ा उतारिए उसका, ठीक है, एक पैक्ड रूम में, कि दूसरा कोई ना जा सके डॉक्टर के अलावा, ठीक है। और उसके शरीर बॉडी में देखिए कहीं अगर दो पंक्चर दिखाई दिया कहीं पर भी आपको, तो आप समझ लो कि इसने को सांप ने ही काटा है, स्नेक बाइट ही है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में है कि स्नेक बाइट होता है तो क्या क्या इसके साइंस और सिम्टम्स देखने को आपको मिल जाता है। अगर इस तरह का कोई भी साइंस और सिम्टम्स देखने को मिले तो आप गेस कीजिए कि स्नेक ने काटा है। अगर कपड़ा पहने तो उसको उतरवा के देखिए कहीं अलग तो नहीं ना काटा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जो होता है ट्रीटमेंट से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, उसे आप फॉलो कीजिएगा कि जब जिस जगह पे सांप ने काटा उसके ऊपर आपको टॉर्निकेट जोर से बांध देना है, और जहाँ पे सांप ने काटा वहाँ पे थोड़ा सा चीरा लगा के, ठीक है, उसको क्या करना है कि बहते पानी में, मतलब साफ पानी में उसको क्या करना है, धो देना, वहाँ से ब्लड निकालना है, ठीक है। ब्लड जब चीरा लगाएगा तो ब्लड जाहिर सी बात है कि फ्लो होगा, वहाँ से ब्लड निकलेगा तो जो भी वेनम वाला ब्लड होगा, जो पॉइजन इसमें भरा होगा, वेनम भरा होगा, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और उसको रनिंग वाटर से धो दे, चलता बहता पानी से उस घाव को धो दे, बुंड को अच्छे से धो दे। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को नुकसान कम होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये पहला इंस्ट्रक्शन, इस बात को याद रखें। उसके बाद कहते हैं आप ट्रीटमेंट के, पहले सबसे पहले आपको देना है इंजेक्शन कोटेस 100 mg। ये हाइड्रोकोटेसोन आपने सुना होगा, स्ट्राइडल ड्रग होता है ये, ठीक है। सबसे पहले इसको IV आपको देना है। उसके बाद टेटवेट 0.5 ml देना है IM स्टेट से, 0.5 ml टेटवेट आपको देना है IM स्टेट से। इसके बाद आपको देना है इंजेक्शन एंटी स्नेक वेनम, एक इंजेक्शन ही आता है एंटी स्नेक वेनम जो इसका मेन इंजेक्शन, ठीक है। इसको आपको 4 से 2 से लेके या 4 से लेके 6 भाल देना है,
ठीक है, 4 से लेके 2 से लेके 6 महल तक इसको दिया जाता है, वो आईवी स्टेट दिया जाता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हर 15 मिनट बाद, अगर ज़्यादा वेनम पूरे शरीर में फैल चुका है तो हर 15 मिनट बाद इसे रिपीट किया जाता है। लेकिन इसको देने से पहले आप स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट कर ले, 0.5 ml दे के स्किन में देख ले कि इसे कोई परेशानी तो नहीं ना हो रही, वरना पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, कहीं एलर्जिक हो गया इसे तो और जान ना जाने के चांस रहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही आपको न्यूरो पैरालिसिस के साइन दिखाई दे, मतलब हो सके आपका पेशेंट पैरालाइज होने वाला है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद पैरालाइज होने वाला, तो मिस्टिकमाइन इंजेक्शन आता है जिसमें कंपोजिशन होता है नियोस्टिकमाइन कंपोजिशन होता है, उसको आपको देना है। लगभग 4 ampoule आईवी स्टेट देना है, मतलब हमारा कहने का मतलब इसका जो मेन जो ट्रीटमेंट था आपको एंटी स्नेक वेनम है, ठीक है, उसको आपको देना है कंटिन्यू हर 15 मिनट के बाद जरूरत पड़ने पर, ठीक है। और उसको देने से पहले स्किन सेंसिटिविटी आपको टेस्ट कर लेना है, स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेना है। और उसके बाद जो होता है सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, जैसे अगर मान लीजिए पल्स कम रहा है, फिर हार्ट रेट कम रहा है, तो वहाँ पे एट्रोपिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्रैडीकार्डिया हो रहा है एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है, टैकीकार्डिया होगा तो फिर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बस मेन जो इंजेक्शन था इसका यही था एंटी स्नेक, ठीक है, एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन मेन था, और उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका ट्रीटमेंट आपको अच्छे से शानदार तरीके से जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, और फ्रेंड्स मैं साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जबरदस्त लगा, और कुछ ना कुछ मेरे इस वीडियो से आपको सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगा, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।